हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम शुभारंभ करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट या फिर उसी का एक नया चैप्टर हम बोल सकते हैं। जी हाँ, सीए फाउंडेशन लेवल पर हमने अभी तक बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स देख लिए हैं। हमने कुछ पिछले वीडियोस के अंदर हमने ऑल टुगेदर बिजनेस इकोनॉमिक्स को, बीसीके को, सबके हमने नंबर ऑफ वीडियोस बना के उन सबको क्लोज कर दिया है। आज हम चालू करने वाले हैं बिजनेस लॉ को। जी हाँ, बिजनेस लॉ के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो आज हम देखेंगे वो है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसको बोला जाता है LLP 2008। यस, ये एक एक्ट है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर फॉर्म ऑफ एक हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी जैसा होता है, फॉर्म्स जैसा होता है, पार्टनरशिप फॉर्म जैसा होता है, वैसे LLP भी कुछ होता है। तो वो क्या है वो आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेक्चर वन में आज हम कोशिश करेंगे कुछ 50% ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट करने की, और लेक्चर नंबर टू में हम बचे हुए 50% को कवर कर लेंगे। इस तरीके से दो चैप्टर्स के अंदर और दो वीडियोस के अंदर हम इसको फिनिश ऑफ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं LLP एक्ट 2008 है क्या। ये सेक्शन 11 से लेकर पूरी कहानी सेक्शन 69 तक चलती है। उनको कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और समझते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जी हाँ, अब ये जो एक्ट है जिसकी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में यहां पर कवर किया गया है और आपको ये अच्छे से दिख भी रहा है। आपके पास बिजनेस लॉ में फिर से कुछ चैप्टर्स यहां पर हमारे सामने हैं, जैसे कंपनीज एक्ट भी आपको यहां सीए फाउंडेशन पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो फाउंडेशन के बेसिक्स आपको पढ़ने होंगे, राइट, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी एक्ट के बारे में। उससे पहले LLP एक्ट भी आपको यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बचे हुए जो दो एक्ट्स है जिसमें आपको देखना है सेल ऑफ गुड एक्ट क्या होता है, राइट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, ये हम अलग से यहां पर चर्चा करते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अभी कुछ एक या दो लेक्चर्स में हम सबसे पहले LLP को यहां पर फिनिश ऑफ करते हैं। हम बीच बीच में ये देखते जाएंगे, हमारा जो पैटर्न रहेगा स्टडी का वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको भी साइमल्टेनियसली कवर करते रहेंगे। कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो बिजनेस लॉ है अनलाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK, ये आपका MCQ नहीं है, ये आपका थियोरेटिकल पैटर्न का क्वेश्चन पेपर है फाउंडेशन में। तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको लिखना रहेगा। तो क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे फॉर्म करने हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम सैंपल्स यहां पर देखते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है LLP 2008। जी हां, यही चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। तो सर ये जो एक्ट है LLP एक्ट, अभी LLP एक्ट 2008 में आया, तो इससे पहले कुछ था क्या? यस, तो इससे पहले भी कुछ ना कुछ होगा ही। ओके, तो सर हमें सबसे पहले आप बताइए कि आप इंट्रोडक्शन में हम कैसे क्या समझने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये आखिरकार LLP है क्या। ठीक है, बिफोर LLP कौन सा एक्ट चलता था, और थोड़े से हम यहाँ पर ईयर्स याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ईयर्स हो गए और बिफोर कौन सा एक्ट था हम वो भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन में देख लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी रहेगी वो क्या है कि सर ये आखिरकार लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये होता क्या है। तो इसका एक जनरल व्यू हम यहां पर समझ लेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको बार बार फिर तो हम डीप में जाके स्टडी करने वाले हैं कि इसमें पार्टनर्स कौन होते हैं, बराबर है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, यहाँ पर अगर इसको डिसॉल्व करना हो, वाइंड अप करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, तो क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को पहले हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। मैं आपको बेसिक्स तो बताने वाला हूँ, पहले हम सेक्शन के बेसिस पर इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि इफ हम इसको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका ब्लॉक चलेगा सेक्शन नंबर 11 से स्टार्ट होगा और ये जर्नी खत्म होगी आपकी सेक्शन नंबर 69 पर। जी हाँ, तो इतनी लंबी लॉन्ग जर्नी है 11 टू 69 की जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। किसके अंदर हम कवर करेंगे? इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इसको हम अलग ही रख देते हैं, ये जो पूरा हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, ओके नाउ, सो सबसे पहला ब्लॉक हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 11 टू सेक्शन नंबर 17। जी हाँ, ये सबसे पहला ब्लॉक होगा जो बात करेगा इनकॉर्पोरेशन के बारे में। मतलब आप जो ये बात कर रहे हैं कि सर ये LLP क्या होता है, तो ये इनकॉर्पोरेट कैसे होती है आखिरकार, आप हमें ये बताइए। तो 11 से लेकर 17 तक इनकॉर्पोरेशन के सेक्शंस हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड जब फेज हम चालू करेंगे तो वो सेक्शन नंबर 22 से स्टार्ट होगा।
22 से 23, 24 और 25 इन सेक्शंस के बीच में हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या एलएलपी के अंदर भी होते हैं। बिल्कुल पार्टनर्स होते हैं एलएलपी के अंदर, तो पार्टनर्स कौन होते हैं और उनका रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, वो हम इन 22 से लेकर 25 के सेक्शन के बीच में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे फेज यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सेक्शंस में फेजेस को डिवाइड कर रहे हैं, फिर एक एक फेज को हम स्टडी करते रहेंगे। ठीक है, 25 से आगे देखते हैं थर्ड फेज में क्या आएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो तीसरा और चौथा फेज है हमारा यहाँ पर, तो तीसरा फेज यहाँ पर बात करेगा 26 सेक्शन से लेकर 31 तक, और इस फेज के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या लिमिटेशंस है या फिर क्या रेस्ट्रिक्शंस है जो यहाँ पर पार्टनर्स के ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इन लिमिटेशंस को एक्सटेंट को समझने के लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा इन सेक्शंस को 26 से लेकर 31 तक। आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35 दे टॉक अबाउट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, कि कौन कौन से फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स आपको यहाँ पर देना होते हैं, किस तरीके से देना होते हैं, कौन से फॉर्म्स के साथ में देना होते हैं और कहाँ पर सबमिट करना होता है, ये हम सेक्शन नंबर 34 से लेकर 35 तक समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी पूरी कहानी चालू होगी किस चीज की, वाइंडिंग अप की। बराबर है, तो अगर आपको वाइंड अप करना है या फिर डिसॉल्व करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए सेक्शन की सीरीज क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ फेज। फिफ्थ फेज बात करेगा सेक्शन नंबर 55 से 57, यानी कि तीन सेक्शंस हैं यहाँ पर जो बात करता है कन्वर्जन के बारे में, कि अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो क्या कोई फॉर्म है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर कोई दूसरी कोई भी कंपनी है, क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म है, ये सब लोग क्या एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, तो कौन सा सेक्शन है, कौन सा शेड्यूल है, क्या प्रोसीजर है, वो यहाँ पर इन तीन सेक्शंस में कवर किया जाएगा। देन एट लास्ट बात आएगी वाइंडिंग अप की। यस, वाइंडिंग अप कहो या फिर यहां पर आप कहें कि डिसॉल्व करना है, खत्म करना है, एलएलपी अब बंद करना है, तो क्या वैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 63, 64 और 65 इन तीन सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारे पास कुछ मिसलेनियस सेक्शंस रहेंगे, तो उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मैं लिख देता हूं मिसलेनियस के अंदर आप क्या देखेंगे, तो 66 से लेकर 69 तक कुछ मिसलेनियस सेक्शंस है वो हम यहां पर कवर करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको यहां पर दिखेगा कि हम कितने सेक्शंस कवर कर रहे हैं, तो 11 to 69 तक हम सभी सेक्शंस कवर कर रहे हैं, जितनी जितनी सीरीज है हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं और हम हाईलाइट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 11 to 17 हमको देखना है, जिसमें हम बात करेंगे इन कॉर्पोरेशन की। तो चलिए हम कवर करते जाएंगे और यहां पर टिक करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितना अभी तक कवर कर चुके हैं। लेट्स सी। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब दोस्तों ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है ओवरव्यू में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए किस तरीके से इंट्रोडक्शन होगा, बिल्कुल इनकॉर्पोरेशन में आपको बताऊंगा, पार्टनर और उनके रिलेशंस यहाँ पर आ जाएंगे, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स फिर वापस आ जाएगा, वाइंडिंग अप रहेगा, यहाँ पर कुछ लास्ट में कुछ डिफरेंसेस हमको देखने हैं। अब पार्टनर और उनके रिलेशन के अंदर हमको क्या देखना रहेगा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, कि आखिरकार यहाँ पर पार्टनर का मीनिंग क्या है, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डीपी, तो ये डीपी कौन होते हैं ये हमको डेफिनेशन यहाँ पर समझनी रहेगी। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर होने का, एडवांटेज क्या है, और पार्टनरशिप एक्ट जो पहले हुआ करता था या फिर अभी भी है बट एलएलपी उसका एक पॉजिटिव एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, एक एलएलपी के अंदर और एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे दो डिफरेंसेस हम यहाँ पर भी समझने वाले हैं लास्ट के अंदर। एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम यहाँ पर कवर होगी, तो इतनी सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं कि ये एलएलपी का गेम चालू क्यों हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले 2008 के अंदर एलएलपी एक्ट आपके सामने आया है। ठीक है, तो ये ईयर तो आपको याद रखना ही है ऑब्वियसली, 2008। हुआ क्या था कि पार्लियामेंट ने पास किया 12 दिसंबर 2008 को, प्रेसिडेंट ने यहां पर असेंट दिया 7 जनवरी 2009 को, एंड कॉल्ड एज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो एलएलपी एक्ट में टोटल 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स यहां पर हमको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल। ये शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या है वो हम ऑलरेडी देख लेंगे अभी के अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट शेड्यूल deals with mutual rights and duties of partners as well as limited liability partnership and its partners where there is absence of a formal agreement with respect to them। मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक summary बनाते जाए तो ये आपका first schedule, second schedule, third schedule एंड फोर्थ शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां पर हम लिखते जाएंगे। फर्स्ट शेड्यूल क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी, पार्टनर्स की। ओके, उसके बारे में बात करेगा।
देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, और उसके साथ में एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। तो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है वो तो बताएगा ऐसे ही, साथ में वो ये भी बताएगा कि LLP और पार्टनर्स के बीच में क्या उनके राइट्स और ड्यूटीज होगी अगर इन दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सेकंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू LLP। थर्ड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP एंड फोर्थ शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP। तो क्या ये तीनों कन्वर्जन की बातें कर रहे हैं? यस। तो कन्वर्जन किस तरीके से होगा? कन्वर्जन होगा, देखिए दोस्तों, पहले कोई फर्म कन्वर्जन करना चाहे तो शेड्यूल 2 में जाए, बराबर है। कोई प्राइवेट कंपनी करना चाहे तो शेड्यूल 3 में जाए। कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी करना चाहे तो वो कहां पर आएगी? फोर्थ शेड्यूल के अंदर आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से चारों शेड्यूल्स की यहां पर हमने समरी देखी है, इसको हम यहां पर प्रॉपर ब्लॉक में डाल देते हैं, तो ये आपको नोट्स के लिए इजी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल। अब ये शेड्यूल्स तो हमने देख लिए हैं, ठीक है। एक्ट कब आया था ये भी हमने देख लिया है। अब हमको देखना है कि LLP की आखिरकार जरूरत हमको क्यों पड़ी, लेट्स सी। अब देखिए दोस्तों, हकीकत में हो क्या रहा था कि हम बात कर रहे थे एक सोल प्रोप्रेटरशिप की, बराबर है। सबसे पहले एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो क्या होगा? SP, सोल प्रोप्रेटरशिप। एक बंदा यहां पर धंधा कर रहा है, थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करी तो आपने कहा सर एक काम कीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म बना लीजिए, आप दो तीन लोग साथ में आएंगे, पार्टनर्स बन जाएंगे, एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और उनके बीच में जो भी तय होगा वो पार्टनरशिप फॉर्म के साथ में काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्टली अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो आपको जंप करना पड़ता है और बिगर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कंपनी। तो कंपनी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के हिसाब से वो काम कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो पब्लिक से वो काम ले सकती है, पैसा ले सकती है, ठीक है। तो ये सब बातें हुई, बट बीच में ये बहुत बड़ा गैप था, किसके बीच में? एक पार्टनरशिप फर्म के बीच में और एक कंपनी के बीच में। तो इस गैप को कम करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा यार बीच में ना कुछ अच्छा एक और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो यहां पर पिक्चर में आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब यहां पर अगर हम इसको वर्ड से समझने की कोशिश करें दोस्तों, सो इसको किस तरीके से देख सकते हैं, LLP। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, ओके, ये बात तो हमने मानी, लिमिटेड है और लाइबिलिटी है और पार्टनरशिप भी है। तो सर इससे पहले क्या हुआ करता था? तो इससे पहले हुआ करता था बच्चों पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। सो पार्टनरशिप एक्ट था क्या? यस, पार्टनरशिप एक्ट पहले था, ओके। तो पार्टनरशिप एक्ट से काम नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था सर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू LLPs। हमको पता था कि वो LLP के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए LLP का एक नया एक्ट बनाया गया 2008 के अंदर। अब इस यहाँ पर LLP में फायदा क्या हो रहा है, देखिए ये पार्टनरशिप के फीचर्स रखता है, साथ में ये लिमिटेड लाइबिलिटी होने की वजह से फीचर्स रखता है थोड़े बहुत कॉर्पोरेट लेवल के भी, यानी कि यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है कि वो पार्टनरशिप एक्ट जैसे पार्टनर्स जैसे काम कर पाए, बट एट द सेम टाइम अब उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। तो सर पहले क्या हुआ करता था? तो पहले ये हुआ करता था बच्चों की पार्टनरशिप एक्ट के टाइम पर जब एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती थी, जो जिसे हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म। नाउ इन दिस ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म हुआ क्या करता था कि जो भी पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म है, इन दोनों के बीच में कोई भी एक वॉल स्टैंड नहीं करती थी। मींस जो पार्टनर है वही फर्म है, जो फर्म है वही पार्टनर्स है। तो एक पार्टनर ने अगर गलत काम किया तो पूरी फर्म के ऊपर लाइबिलिटी आती थी, और जो भी फर्म की लाइबिलिटी होती थी वो सभी पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी हुआ करती थी। सो सारा घर बार बेचने के बाद में भी जो भी पैसा देना पड़े वो सभी पार्टनर्स को देना पड़ता था। बट अब क्या हो गया यहाँ पर, इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वेलकम करने के लिए, ये ब्रिज को भरने के लिए LLP को लाया गया कि पार्टनर्स तो है, तो पार्टनर्स कैसे होंगे सर? अपने हिसाब से हो जाओ भैया, आप एग्रीमेंट तय कर लो, बराबर है। एग्रीमेंट में जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप लिख लेना, एट द सेम टाइम आपकी जो यहाँ पर लाइबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, क्या आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा क्या? यस, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा आपको। पहले पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था, जो भी एग्रीमेंट में तय हो गया आप लोग साथ में काम कर लो, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन की वजह से और एग्रीमेंट की वजह से ये
इस लेवल को थोड़ा सा कॉर्पोरेट बनाती है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल का एक यहाँ पर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गया जिसका नाम एलएलपी था। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से यहाँ पर एलएलपी की जरूरत पड़ी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देख लीजिए। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज व्यूड एज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी बट अलाउ इट्स मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड भी कर सकते हो, आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपनीज एक्ट लागू नहीं हो रहा है, एलएलपी की बात चल रही है, कुछ सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क लगा दिया है कि एलएलपी के ऊपर कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस यहाँ पर लागू हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। आगे हम सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, किसकी वजह से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किसकी परमिशन हमको लेनी पड़ेगी। बट कंपनीज एक्ट पूरा यहाँ पर हमारे ऊपर ना लगे, थोड़ा थोड़ा एलएलपी एक्ट लग रहा है, पूरा कंपनीज एक्ट नहीं लग रहा है, तो थोड़ी फ्रीडम है ना। तो मेंबर्स एग्रीमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सो द एलएलपी फॉर्म इनेबल्स एंटरप्रेन्योर्स प्रोफेशनल and enterprises providing services of any kind or engaged in any scientific or technical disciplines to form commercially efficient vehicle suited to their requirement. So flexibility मिल गई है structure को, थोड़े थोड़े traits अच्छे अच्छे partnership form के हैं और अच्छे अच्छे traits company के हैं, इन दोनों को मिला के LLP बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये मीनिंग हमने यहाँ पर समझ लिया है, जो मैंने आपको अभी बोला है वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, ये एक नया फॉर्म है लीगल बिजनेस एंटिटी का विद लिमिटेड लायबिलिटी। सो एक लीगल बिजनेस एंटिटी है विद लिमिटेड लायबिलिटी। तो देखिए, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर दोनों के बेनिफिट्स होने की वजह से इसको हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ये ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है कंपनी की वजह से और पार्टनरशिप फॉर्म का स्ट्रक्चर भी है इसके पास में, तो दोनों चीजें हो गई इसके पास में, बराबर है। सो यहाँ पर जो कंपनी है यानी कि एलएलपी है, वो इटसेल्फ इज व्हाट लायबल फॉर इट्स असेट्स एंड लायबिलिटी। ये बात आप मानते हैं? यस, क्योंकि एलएलपी अलग पर्सन है और जो एलएलपी के पार्टनर्स है वो अलग पर्सन है। और यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी है? पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो दोस्तों है लिमिटेड, ठीक है। तो देखिए, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड, एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर इट्स फुल एक्सटेंट ऑफ असेट्स एंड द लायबिलिटीज। ओके, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिल रही है। एलएलपी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे एक कंपनी होती है, एक कंपनी के पास में कॉमन सील होती है, इसके पास भी है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। एक कंपनी जो होती है वो परपेचुअल सक्सेशन उसके पास में होता है, जो इसके पास भी है। तो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली 50%, वो भी हम यहां पर कवर कर लेंगे। इन शॉर्ट थोड़ी सी समरी हम बनाए तो, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल ऑर्गेनाइजेशन, यस, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, ठीक है, एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स, यस, ये खुद के असेट्स के लिए खुद ही लायबल रहेगा, एंड इट अलाउज द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको चीजें याद रखनी है। अगर सर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बताइए ना हमको कि हम इसको कैसे याद रखें। हमें आंसर अगर पूछ लिया गया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, तो हमें आंसर यहां पर कैसे फॉर्म करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टाइम टू टाइम में यहां पर चीजें याद रखेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, बराबर है, ये क्वेश्चन आपको आएगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी के साथ में आपको कैसे लिखना होगा, देखिए, एलएलपी अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एलएलपी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैं बोलते जा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होने से एलएलपी इटसेल्फ इज लायबल फॉर इट्स असेट्स, ठीक है, और जो यहाँ पर इसके पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स कैसे होते हैं, वो पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तो हमने क्या बोल दिया कि एलएलपी है क्या, अल्टरनेटिव एक तरीका है, एलएलपी है क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, लायबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड है, खुद की पूरी है। ओके, इसके बाद में क्या यहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? यस, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और ये सब प्रोविजंस कहां दे रखे हैं, एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से सारे प्रोविजंस फॉलो होते हैं एक एलएलपी को, ठीक है। उनको अपने नाम के आगे, आफ्टर योर नेम, आपको एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एब्रीवेशन उनको यूज करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, प्रोविजन एक्ट के मेंशन होगा। यहाँ पर देखिए एक्ट का नाम आ गया, मतलब क्या है वो आ गया, पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में क्या डिफरेंस है वो आ गया, ये सब चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। और एट लास्ट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है इंटरनल स्ट्रक्चर को फिक्स करने की, सो इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है, जहां पर आपको मिक्सचर मिल रहा है कॉर्पोरेट का प्लस पार्टनरशिप फर्म का। बस इस तरीके से आपका पूरा ये आंसर यहाँ पर कवर हो जाएगा। सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्टेप वाइज 5 पॉइंट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, आपके मॉड्यूल से कवर किया, समझा, उसको यहाँ पर आंसर में भी कन्वर्ट कर लिया। और अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो अब इसके बाद में डायरेक्टली मैं जंप करना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें अभी अभी आपने फ्रेश पढ़ी है, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलएलपी। एक एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होंगे, जैसे कि आप अभी सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो डेफिनेशंस दी हुई है इन डेफिनेशंस को उसके बाद में हम कवर करेंगे। सो यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ एलएलपी हम यहां पर देखने वाले हैं। सो एक एलएलपी क्या है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म, बराबर है। तो कंपनी के अंदर क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो एक कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, बराबर है, ये हमको पता है, यस सर। एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और एक कंपनी अपने आप में बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो एक कंपनी की होती है वो यहां पर होगी क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक में, यस। सो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आप जब देखेंगे तो एलएलपी इंक्लूड की जाती है, तो इसलिए एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, यस, परपेचुअल सक्सेशन मतलब पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, जैसे मेंबर्स आते जाते हैं, डायरेक्टर्स आते जाते हैं, कंपनी कंपनी रहती है, उसी तरीके से यहां पर अनलाइक पार्टनरशिप फर्म, यहां पर पार्टनर्स आएंगे जाएंगे तो एलएलपी एलएलपी रहेगी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में जैसे ही पार्टनर्स चले जाते थे तो पार्टनरशिप डीड है वो खत्म करनी पड़ती थी और नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती थी, यहां पर ऐसा नहीं है। सो परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, पार्टनर्स अलग, एलएलपी अलग, ठीक है। आगे म्यूचुअल एजेंसी क्या यहां पर है, म्यूचुअल एजेंसी यहां पर नहीं है दोस्तों, म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर क्रॉस 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 कर दीजिएगा, आपको याद रहेगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड एन एलएलपी। ऐसा क्यों बोला गया है, देखिए म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर गलत काम किया तो मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म है उनके ऊपर भी उस चीज की लायबिलिटी आ जाएगी, मैंने कोई फ्रॉड किया उसकी लायबिलिटी इन सबके ऊपर आ जाएगी, बराबर है, एंड अदर वे ऑल्सो। बट अब क्या होता है, ये म्यूचुअल एजेंसी खत्म हो गई है, यानी कि अगर मेरी कोई यहां पर गलती की वजह से कोई लायबिलिटी आती है तो सब पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ में नहीं रहेंगे। हर पार्टनर की लायबिलिटी कितनी है, जितना उनका उस एलएलपी के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट है या शेयर है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी, दैट्स इट। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता था, वहां पर म्यूचुअल एजेंसी होती थी, सब एक दूसरे के साथ में खड़े रहते थे, यहां पर इतना अच्छापन नहीं दिखाया गया है, सब जितना पैसा लगाया उतना नुकसान झेलेंगे, बस काफी है, ओके। सो ये हो गया म्यूचुअल एजेंसी। यहां पर एग्रीमेंट होता है दोस्तों एलएलपी में, एलएलपी में एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट नहीं होता था, कंपलसरी नहीं होता था, बट यहाँ पर एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया, जैसे कंपनी का केस था वैसे ही, कॉमन सील कंपनी जैसे इसके पास भी आ गई, यस। तो कंपनी के नाम पे अगर मोटा मोटा आपको देखा जाए तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंपनी की होती है जो अब एलएलपी के पास में भी आ गई है, ठीक है। ऑब्वियसली लिमिटेड लायबिलिटी तो है ही सही, इसलिए हम उसको एलएलपी बोल रहे हैं। नाउ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस तो करना ही है ना भैया, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि कोई भी तरीके का बिजनेस करो आप एलएलपी के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या बताए गए हैं, बिल्कुल बताए गए हैं। यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप फर्म जैसे 2 है क्या, यस 2 मेंबर्स आर मिनिमम रिक्वायर्ड। बट क्या मैक्सिमम की कोई लिमिट है क्या, नो लिमिट, यहाँ पर कितने भी मेंबर्स आप ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपको एक पब्लिक कंपनी का भी एक फंक्शन या फीचर्स यहाँ पर आपको मिल गया, पार्शियली बोल सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी आपको एक सीलिंग दे रखी है कि इतने मेंबर्स ही होंगे, बट पब्लिक कंपनी में क्या मेंबर्स की कोई लिमिट है, नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर मिनिमम लिया पार्टनरशिप फर्म का 2 चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट डाली नहीं। तो देखिए वापस से एक हाइब्रिड फॉर्म तैयार हुआ, वेरी गुड। आगे बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली,
अगर आपकी कोई एनपीओ है या एनजीओ है, आप कोई बिना प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, तो फिर आप एलएलपी नहीं बना सकते। तो जहां भी आपको बोर्ड पर ये लिखा दिखा दे, जैसे सीजे एलएलपी, इसका मतलब कि जो ये चैतन्य जैन है, ये जो भी काम कर रहा है, ये फ्री के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कोई एनपीओ नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली ही, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है? यस हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है? यस हो सकता है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी बिल्कुल हो सकता है। सर ये कहाँ देखा हमने? अभी अभी देखा हमने, हमने देखा सर तीन सेक्शन है इसके लिए। कौन कौन सेक्शन है फटाफट बोल दीजिए। सर सेक्शन नहीं, अभी हमने शेड्यूल देखे हैं, शेड्यूल टू, शेड्यूल थ्री और शेड्यूल फोर रिस्पेक्टिवली। फॉर वॉट? फॉर अ फर्म, फॉर अ प्राइवेट कंपनी एंड फॉर an unlisted public company. So if they want to get converted into an LLP, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनके respective section जो है वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। E-filing of documents इनके लिए allowed है और इनको करनी है। और एक concept होता है foreign LLP का। अभी foreign LLP कौन होता है ये हम आगे समझेंगे, but यहाँ पर majority आपको क्या feature समझ में आ चुके हैं? Yes sir, body corporate, perpetual succession, separate legal entity, common seal और artificial legal person, तो सारे company के हमने as it is ले लिया, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट में कन्वर्जन वाला पॉइंट था, जो नॉन प्रॉफिट है वही यहाँ पर बिल्कुल कभी नहीं आएंगे, सिर्फ प्रॉफिट वाले ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है सर। इसके अलावा और क्या था? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वाली बात यहाँ पर आ चुकी है। एग्रीमेंट यहाँ पर कंपलसरी होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड है और म्यूचुअल एजेंसी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है सर, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो क्या यही चीज़ें आगे एक्सप्लेन की गई है? बिल्कुल यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। फटाफट मैं आपको मार्किंग देता हूँ और आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? यस, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। It is a legal entity separate from its partners and shall have perpetual succession. क्या सारी चीजें आ गई यहाँ पर? Yes. Therefore, important. Any change in the partners of LLP shall not affect the existence and rights or liability of the LLP. Partners आएंगे जाएंगे, क्या इस LLP को कुछ होगा? नहीं। मतलब LLP ना कभी भी घर नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म ना एक घर होता था। घर किससे बनता है? उसके मेंबर से बनता है, बराबर है। सो अगर सब मेंबर्स नहीं बचे तो घर नहीं बचता है, राइट। पार्टनरशिप फॉर्म ऐसी ही थी, बट एलएलपी ना थोड़ा लीगल स्ट्रक्चर है, बिजनेस के लिए क्रिएट किया गया है। बिना प्रॉफिट के कोई काम होगा ना तो वो एलएलपी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, एलएलपी वहीं का वहीं रहेगा। ये माइंडसेट रखिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब दूसरी लाइन क्या है? देखिए परपेचुअल सक्सेशन, आपको समझा चुका हूं। परपेचुअल यानी कि एंडलेस सक्सेशन चलता रहता है इसका, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन पार्टनर्स, एलएलपी क्या चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी। इसका मतलब क्या है? इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टीज इन इट्स नेम। वो खुद के नाम पर क्या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। वो क्या अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है। ये कौन है? परपेचुअल सक्सेशन के अंदर पॉइंट आता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, एक लीगल वजूद है अलग से एलएलपी का, बराबर है। फुल एक्सटेंड ऑफ इट्स असेट्स तक के लिए वो लायबल होती है। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी। इसका मतलब क्या है? जो एलएलपी के क्रेडिटर्स हैं वो एलएलपी के ही रहेंगे। आप पार्टनर के घर जाके पैसा नहीं मांग पाओगे कि एलएलपी के अंदर आप पार्टनर हो ना, चलो पैसा दो, आपके एलएलपी के नाम पे क्रेडिटर है हम लोग, तो हमको पैसा चाहिए। तो पार्टनर क्या बोलेगा? बॉस ये एलएलपी है, मेरे घर मत आओ, मेरी जो लायबिलिटी ना वो लिमिटेड है, ये जो क्रेडिटर है ना एलएलपी के नाम पे है, तो एलएलपी को सू करो, आपको करना है, आप मुझे नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अगला पॉइंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, बहुत ही जोरदार पॉइंट दोस्तों। म्यूचुअल एजेंसी क्या समझा चुका हूं मैं? यस, ये सभी पार्टनर्स को फ्री कर देती है। वो क्या करते हैं कि यार मैं जो गलत काम करूंगा ना उसका भुगतान मैं ही करूंगा। सिंपल सी बात है, देखिए, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। दूसरा बंदा गलत काम कर रहा है, अनऑथराइज्ड काम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, मेरी गलती है क्या इसके अंदर? हम कोई घर परिवार नहीं चला रहे, यहां पर बिजनेस कर रहे हैं। दस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम ज्वाइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। तो मेरी एक शील्ड तैयार है, वो अगर गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से बिजनेस कर रहा है, तो मुझे उसका नुकसान नहीं भरना पड़ेगा। In other words, all partners will be the agents of the LLP alone. बस मतलब अब direct connection है, mutual agency यहाँ पर खत्म हो गई है। कैसे? मतलब आप इसको याद कर सकते हैं, partner और partner के बीच में कोई यहाँ पर mutual agency नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो रहेगी वो है partner और LLP के बीच में।
ठीक है, सिर्फ यही स्टैंड करेगी। इस तरीके से आप याद इसको कर सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी हो गया दोस्तों, LLP का एग्रीमेंट जरूरी है, विच इज गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। और कौन एक्ट है? एक्ट 2008 इसको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देगा एग्रीमेंट को एज पर देयर चॉइस। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्या हम? यस, लीगल प्रोसेस है, पूरी LLP तैयार होती है। एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है वो कोई भी बिजनेस कर सकती है, और विथ एनी नेचुरल पर्सन कर सकती है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दैट इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, कैन नॉट टेक एन ओथ, कैन नॉट मैरी और गेट डिवोर्स, नॉर इट कैन प्रैक्टिस ए लर्न प्रोफेशन लाइक सीए और मेडिसिन। ऑब्वियसली बात है। सो क्लियरली LLP इज एन इनविजिबल, इनटेंजिबल, इमॉर्टल, इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय लॉ अलोन बट नॉट फिक्टिशियस बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? दो शब्द मैं आपको बताता हूँ। So, दो वर्ड्स क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यस। फिक्टिशियस पर्सन, नो, बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट। सिंपल सा फंडा है, ये आपको याद रखना है। कॉमन सील है क्या बच्चों? यस, कॉमन सील है। इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, सो इट कैन एक्ट, मतलब वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद के नाम पर वो धंधा कर सकता है क्या? LLP कर सकता है। तो LLP बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मतलब LLP खुद चल के जाएगा क्या? पैर है क्या उसके? नहीं, भले ही वो आर्टिफिशियल पर्सन है बट उसके नाम पर धंधा कौन करेंगे? सब पार्टनर्स करेंगे ना, जो DPs है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, वही धंधा करेंगे ना। बिल्कुल सही। सो LLP में है वो कॉमन सील इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, अगर उसको रखना चाहता है। कॉमन सील मतलब कि ये सील है, ये लग गया, मतलब LLP हमारे बिहाफ पर काम कर रही है, पार्टनरशिप वहां जाके अपना काम पूरा कर रहा है। दस इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर LLP टू हैव अ कॉमन सील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलर्ट दोस्तों, मैंडेटरी नहीं है LLP को कॉमन सील ले, बट कॉमन सील ले सकती है, ये उसका एक ऑप्शन है। इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल एंड इट शैल बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द LLP। ध्यान रखिए, जब भी कॉमन सील यूज़ की जाएगी तो वो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के साथ में और उनके प्रेजेंस में ही होना चाहिए। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट एरिया है। कॉमन सील कब यूज़ की जा सकती है? तो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की उपस्थिति में ही की जा सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स इन द LLP आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ LLP बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं हम आगे देखने वाले हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ऑफ होम एटलीस्ट वन शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया, देर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द पार्टनर्स इन LLP। तो मिनिमम कितने हो गए? सर मिनिमम की बात हो गई, यहाँ पर दो चाहिए, दो में से सर एक तो यहाँ पर रेसिडेंट होना ही चाहिए। रेसिडेंट का मतलब क्या है कि सर प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 182 डेज का प्रेजेंस उसका होना चाहिए इंडिया के अंदर, तभी उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। और सर मैक्सिमम पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस होना चाहिए दोस्तों, अगर आपको LLP बनना है तो LLP इज कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। दस LLP कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस। मतलब अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो आप भले ही कंपनी बनाइए, सेक्शन 8 कंपनी बनाइए, आप यहाँ पर LLP में नहीं आ पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट, यस, इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ LLP शैल बी इन अकॉर्डेंस टू द LLP एक्ट 2008। हो सकता है M&A, बिल्कुल हो सकता है। कन्वर्जन हम आगे देखने वाले हैं, अलाउड किया गया है। ई फाइलिंग, यस, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कर सकते हैं। फॉरेन LLP क्या है ये बता दीजिए सर। देखिए, अब फॉरेन LLP नाम दिया गया है, फॉरेन LLP यानी कि ऐसी LLP जो रजिस्टर कहां पर हुई है? बाहर हुई है, इंडिया से बाहर हुई है, पर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस का है विद इन इंडिया है, बराबर है। तो क्या ऐसी LLP हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। डिफाइंस फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टेब्लिश्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? इंडिया के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट बात, इसलिए क्वेश्चन अलर्ट दोस्तों, कि कोई भी LLP का जब हम देखेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर तो वो कौन हो सकता है? तो वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है यानी कि एक रियल पर्सन, और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है दोस्तों। यानी कि एक फॉरेन LLP, क्या बोला मैंने, एक फॉरेन LLP क्या किसी LLP में पार्टनर बन सकती है क्या? तो यस, बिल्कुल बन सकती है। तो देखिए, अ फॉरेन LLP कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन LLP, बिल्कुल बन सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अगर कोई एक इंडियन LLP है, लेट्स से CJ LLP, तो CJ LLP में अगर यहाँ पर चार पार्टनर्स हैं,
ठीक है, एक सी है, एक जे है और एक एलएलपी है जो यूके एलएलपी है, यानी कि बाहर बेस्ड एलएलपी है जिसका बिजनेस का प्लेस इंडिया के अंदर है, तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, इट इज अलाउड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आएगा, तो इसको यहाँ पर आप याद रखिएगा, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर भी पढ़ लिए हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली है पूरे वीडियो के अंदर? तो दोस्तों हमने यहाँ पर कवर की है, बेसिक समझा, मीनिंग समझा, कॉन्सेप्ट समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर समझा ऑफ आर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर कि एलएलपी कौन होता है। अब यहाँ पर कुछ बची हुई है डेफिनेशंस। बॉडी कॉर्पोरेट मैं आपको बता चुका हूँ, बिजनेस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 7। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 7 हम आगे पढ़ेंगे फॉर आर डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं। ओके, इसके बाद में इंपॉर्टेंट फॉरन एलएलपी की डेफिनेशन हमने कवर कर ली है। ओके, एग्रीमेंट क्या होता है, एलएलपी क्या होती है, हमको पता है। नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है, लेट्स सी। सो सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है दोस्तों? सेक्शन नंबर 4 बोल रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करोगे तो वो एलएलपी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 1932 वाले कोई भी सेक्शंस इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। सो सेक्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, उसका नाम है नेगेटिव सेक्शन। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेक्शन क्यों है? क्योंकि ये बोल रहा है कि 1932 का कोई भी सेक्शन हम पे अप्लाई मत कर देना। ठीक है, आगे सेक्शन नंबर 5 क्या बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 5 ये बोल रहा है कि पार्टनर्स कौन होंगे। तो पार्टनर्स देखिए, अभी मैंने आपको बता चुका हूं, अब मैं ये डेफिनेशन आपको सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, आप खुद ही अंदर से आंसर बोलेंगे। सेक्शन नंबर 5, पार्टनर कौन हो सकता है? सर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी सर आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है ना, तो यही बात लिखी है, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी ए पार्टनर इन एलएलपी। क्या फॉरन एलएलपी इंडियन एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है क्या? यस सर, बन सकती है, वो हमने डेफिनेशन में देख लिया है। हाउएवर सर कौन नहीं बन सकता है? जिसका दिमाग फिर गया है, क्या वो बन सकता है क्या? नहीं, मतलब अनसाउंड माइंड वाला बंदा क्या पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सर 1932 वाले पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक माइनर भी सर पार्टनर बन सकता था, क्या एलएलपी के अंदर बन सकता है क्या? नो, ना वो पहले बन सकता है, ना बाद में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई स्कोप नहीं है। माइनर यहां पर एलएलपी का पार्टनर कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड का है नहीं बन सकता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है नहीं बन सकता है, ही हैज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, तो भी वो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, या तो पागल हो चुका है या फिर इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं है इसके लिए अप्लाई कर रखा है, जो भी चीज़ है, अगर क्लैरिटी नहीं है कि आप इंसॉल्वेंट हो कि नहीं हो तो आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, तो देख लीजिए, एवरी एलएलपी हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स who are individuals, जो individuals होने चाहिए, and at least one of them shall be resident in India। तो ठीक है सर, मतलब LLP लिखेंगे हम, उसके बाद में सर यहाँ पर हम शो करेंगे 2 और मैक्सिमम पे हम लिखेंगे नो। ठीक है, तो 2 और नो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है, 2 में से सर हमको मिनिमम अगर आप बात कर रहे हैं तो 2 पार्टनर्स चाहिए, इंडिविजुअल ही होने चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन की बात नहीं चल रही है, और इंडिविजुअल में से भी 2 में से एक होना चाहिए सर जो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल सर, ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। नाउ इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, सबके सब बॉडी कॉर्पोरेट है अगर, ठीक है, और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडीज कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो ये सिचुएशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब इस वाले पॉइंट में इनका क्या कहना है कि सर अगर कोई एलएलपी है, ठीक है, और उसके अंदर सर लेट से 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तीनों पार्टनर में सर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो लेट से एक दूसरी कोई एलएलपी है, ठीक है, एक और बॉडी कॉर्पोरेट है जो एक फॉरेन एलएलपी है, ओके, और सर एक इंडिविजुअल पर्सन है। नाउ हमको यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाने हैं, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्या? तो सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि ऐसी कोई एलएलपी जिसके अंदर सभी लोग या तो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, देखिए ये लिखा हुआ है, ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट्स और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि मिक्सचर। तो क्या ये हमारा मिक्सचर वाला सिचुएशन है? यस, बॉडी कॉर्पोरेट एंड एन इंडिविजुअल। तो ऐसे सीन में क्या होगा? तो इनका कहना है कि हमको जब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए रहेंगे तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल होने चाहिए हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी
और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वो हमारे यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं खुद, या फिर वो इंडिविजुअल है किसी दूसरे एलएलपी की पावर के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, तो अगर इसमें हम इस एग्जांपल को यू करें कि चार यहाँ पर पार्टनर्स हैं, एक इंडिविजुअल है नॉर्मल, ठीक है, और एक इंडिविजुअल है जो नॉमिनी है किसी एलएलपी का, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। तो सर ये हो गया बॉडी कॉर्पोरेट, ये हो गया इंडिविजुअल और ये हो गया इंडिविजुअल। तो सर यहाँ पर एक इंडिविजुअल तो प्लेन इंडिविजुअल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डेजिग्नेट पार्टनर बन जाएगा, बट सर ये इंडिविजुअल ना खुद इंडिविजुअल नहीं है क्योंकि वो दूसरी एलएलपी का नॉमिनी है यहाँ पर, तो क्या वो भी डेजिग्नेट पार्टनर बन सकता है क्या? यस बिल्कुल बन सकता है। तो ये पॉइंट इसी पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। रेजिडेंट कौन हो सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया 182 डेज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट कर दिया, सेक्शन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया, सेक्शन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया, बचा है सेक्शन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये बोल रहा है मिनिमम नंबर कितने चाहिए, तो हमने कहा दो पार्टनर तो हमको चाहिए बॉस किसी भी हालत में, ठीक है। सर व्हाट इफ दो से कम पार्टनर हो गए कभी, सर अचानक डेथ हो गई, या सर अचानक छोड़ के चले गया, या सर वो बोल रहा है कि अब हमको नहीं काम करना है, हमको यहाँ से निकलना है, तो सर क्या हम इस गलती को सुधार सकते हैं क्या? तो यहाँ पर एक्ट बोल रहा है कि यहाँ पर टेंशन नको करा, क्यों? क्योंकि आपको 6 मंथ्स का हम टाइम देंगे, 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। देखिए इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, एक ही बंदा बचा मतलब, एंड द एलएलपी कैरीज ऑन द बिजनेस, काम चलते जा रहा है, एलएलपी कॉमन सील यूज कर रहे कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो ये यहां पर क्वेश्चन अलर्ट है। क्या क्वेश्चन अलर्ट है दोस्तों, देखिए जब दो पार्टनर्स से कम पार्टनर्स रहेंगे, ठीक है, सो लेस देन 2 पार्टनर्स जब है, तो क्या कोई भी एलएलपी अपनी कॉमन सील यूज कर पाएगी क्या? नो, कभी भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्यों कॉमन सील यूज करने के लिए बेसिक क्या चाहिए हमको? बेसिक हमको ये चाहिए कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हमेशा होने चाहिए। अभी हम आगे पढ़ के आए कंडीशन। तो जब भी यहाँ पर 2 से कम पार्टनर्स रह गए हैं, क्या एलएलपी कॉमन सील यूज करेगी? नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज बेसिक कंडीशन ऑफ यूजिंग अ कॉमन सील इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा आप। नाउ बिजनेस होते जा रहा है मोर देन 6 मंथ्स तक, 6 महीने से ज्यादा हो गए, धंधा चल रहा है और 2 पार्टनर से कम पार्टनर है। द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द एलएलपी ड्यूरिंग द टाइम दैट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ्स एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विथ हिम अलोन शैल बी लायबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो सर थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए हमको। तो लीजिए एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2019 को एलएलपी फॉर्म हुई 3 लोगों के साथ में, ओके। 2 दिन बाद ही 2 लोग बोले यार हमें तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो छोड़ के चले गए, बचा एक ही पर्सन। इसने कहा कि जाओ यार छोड़ के, मैं सब कर लूँगा, मैं अपने हिसाब से एलएलपी पूरी संभाल लूँगा, मैं बिजनेस कर लूँगा। ये भाई साहब बिजनेस करते गए, रोज बिजनेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, 6 मंथ्स तक तो ये कर सकता था, 6 मंथ्स तक ये अलाउड था कि वो अकेला 1 पर्सन कर सकता था बिजनेस, तो उसने किया। तो 3 जनवरी से आप गए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो उसने लेट से 2 जुलाई 2019 तक उसने बिजनेस किया। अब उसने 6 जुलाई को एक एग्रीमेंट साइन किया किसी थर्ड पार्टी के साथ में और उसमें 1 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये एक्ट बोल रहा है 6 मंथ्स तक तो सर अलाउड था, 6 मंथ्स के बाद में जो भी यहाँ पर आप एक्ट करोगे, जो सिंगल पार्टनर है जो एक्ट करते जा रहा है, बिजनेस करते जा रहा है, वो अब सब कुछ लॉस के लिए पर्सनली लायबल होने वाला है, चाहे वो लॉस एलएलपी का हो चाहे वो खुद का हो, बस सिंपल सी बात है। तो 6 मंथ्स का यहाँ पर सेक्शन नंबर 6 आपको गैप दे रहा था, 6 मंथ्स के बाद अगर आपने गड़बड़ करी तो यू विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अगर पूरे वीडियो को हम समराइज करने की यहाँ पर कोशिश करें, सो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने शुरुआत करी है किसके साथ में, हमने शुरुआत करी एलएलपी एक्ट 2008 के साथ में, और हमने देखा सबसे पहले कि आखिरकार ये एलएलपी का कॉन्सेप्ट क्या है,
बराबर है। कॉन्सेप्ट के साथ में ये एलएलपी का मीनिंग क्या है ये भी हमने समझा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग हमने यहाँ पर शुरुआत करी, सेक्शन नंबर 2 की कुछ डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद में हमने शुरुआत करी सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7। ये चार इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने देखे किसके अंदर, ये हमने देखे इंट्रोडक्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने मीनिंग और कॉन्सेप्ट के साथ में कवर करे। सेक्शन नंबर 4 जो है वो नेगेटिव सेक्शन है, वो बोल रहा है सेक्शन ये कि 1932 वाला जो पार्टनरशिप एक्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 5 बोल रहा है कि पार्टनर आखिरकार कौन हो सकते हैं वो हम बता रहे हैं। पागल दिमाग वाला, अनसाउंड माइंड वाला कभी नहीं बन सकता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं बन सकता है, इंसॉल्वेंट के लिए अभी उसने पेपर दिखाए हैं बट पेंडिंग है वो भी नहीं बन सकता है। सेक्शन नंबर 6 थोड़ा और आगे बढ़ा, वो बोल रहा है ये तो बात तो ठीक है, मिनिमम जो मेंबर्स है ना वो 2 चाहिए, ठीक है, 2 में से 1 रेसिडेंट होना चाहिए, ओके। और 2 से जिस दिन भी आप नीचे गए 6 मंथ्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 मंथ्स के बाद में जो भी काम करेगा वो पर्सनली लायबल रहेगा वो बंदा, ठीक है भैया। और सेक्शन नंबर 7 बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन हो सकते हैं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक फॉरेन एलएलपी होती है जो बाहर रजिस्टर्ड है, बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, विद इन इंडिया है, वो फॉरेन एलएलपी होती है। ऐसी फॉरेन एलएलपी हमारी इंडियन एलएलपी के अंदर क्या पार्टनर बन सकती है क्या? तो बिल्कुल बन सकती है। ये कैसे बन सकती है? तो हमने पहले देखा सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन में यहां पर दे रखा है कि पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, तो हर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4, 5, 6, 7 और सेक्शन नंबर 2 की कुछ डेफिनेशन हमने यहां पर देखी, उसके बाद में हमने यहां पर देखे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स जो हमने यहाँ पर कवर करे हैं, और उसके अंदर हमने देख लिए जो इंपॉर्टेंट कंपनी के फीचर्स होते हैं वो तो है ही सही, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, ठीक है दोस्तों, और क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कंपनी वाले सारे काम है। तो अलग फीचर्स क्या है एडवांटेजेस वाले एलएलपी के, लिमिटेड लायबिलिटी है, एग्रीमेंट तो होना ही होना है बॉस, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में एग्रीमेंट कर लो, कोई दिक्कत बात नहीं है, डिसॉल्व बहुत इजीली हो सकता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मर्जर एंड एक्विजिशन हो सकता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर है। ये इसके क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बट इंपॉर्टेंट फीचर्स में और क्या पॉइंट है, वो ये है कि सर एग्रीमेंट आप नहीं कर रहे हो तो क्या यहाँ पर एलएलपी बनेगी? नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। कॉमन सील है, आपको वो यूज करनी पड़ेगी, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के एटलीस्ट उनके साथ में कॉमन सील यूज होगी। तो स्पेशल फीचर्स में क्या क्या है यहाँ पर, वो है कि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर सकते हो अगर आप एलएलपी हो तो, इसके साथ में आप मिनिमम तो डिसाइड कर सकते हो 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल इसके वो तरीका हो गया एलएलपी का। और साथ में और क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि सब प्रॉफिट तो बात हो गई, एग्रीमेंट की बात हो गई, मिनिमम मैक्सिमम की बात हो गई, आप अगर कन्वर्ट होना चाहते हो इनटू एन एलएलपी तो आप वो भी कर सकते हो। और उसके अंदर हमने देखे हैं सर 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 2 है, 3 है और 4 है। 2 बात करेगा फर्म, 3 बात करेगा प्राइवेट कंपनी, 4 बात करेगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये सब अगर कन्वर्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी इच्छा से हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे वीडियो के अंदर जो आपको नाम दिया है वो हमने काम कर दिया है, एलएलपी के बेसिक्स हमने समझ लिए हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, डेफिनेशन, सब कुछ हमने समझ लिया है। लेक्चर नंबर 2 में हम थोड़ा और डीप में जाएंगे और आगे देखेंगे इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस क्या है दोस्तों। सो इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस हम यहाँ से चालू करेंगे, उसके अंदर सेक्शन नंबर 11 टू सेक्शन नंबर 17 हम देखने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। तो अगला लेक्चर भी देखिएगा, आपका बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ाई होगी, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज ई केड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।